नमस्कार बच्चों, पिछली वीडियो में आप बीजगणित के बारे में पढ़ रहे हैं। हम छठी कक्षा की 11.1 प्रश्नावली कर चुके हैं। मैंने आपको ये भी बताया था कि बीजगणित गणित की बहुत ही महत्वपूर्ण शाखा है। बीजगणित की सहायता से हम गणित के सूत्र निकाल सकते हैं, सूत्र लिख सकते हैं। बीजगणित की सहायता से ज्यामिति के नियम या सूत्रों का सामान्यीकरण हम कर सकते हैं। आज की वीडियो बहुत ही मजेदार और इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि हम प्रश्नावली 11.2 करने का प्रयास करेंगे। पहले हम गणित के कुछ सूत्र समझेंगे। आप सभी जानते हैं कि वर्ग क्या होता है। वर्ग जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, एक आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, यानी कि ए बी सी डी। ए बी बराबर है बी सी, बराबर है सी डी, बराबर है ए डी। अगर ये भुजा चार है तो ये भी चार है, ये भी चार है, ये भी चार है, तो इसका वर्ग का परिमाप कितना आ गया? वर्ग का परिमाप, ये भी आप जानते हैं कि यहां से शुरू किया, ये और ये वापस यहां पर आ गए, तो ये परिमाप निकल गया आपका, 4 जमा 4 जमा 4 जमा 4, तो कितना आ गया, यानी कि 4 गुणा 4 भी कह सकते हैं, 16 सेंटीमीटर। तो एक ये वर्ग का परिमाप हमारा एक विशेष वर्ग का परिमाप है। इस सूत्र की सहायता से हम किसी वर्ग का परिमाप नहीं निकाल सकते। यहां से अगर हम भुजा को एल मान लें या ए मान लें, तो इसको हम सामान्य कर सकते हैं, वर्ग की भुजा बराबर है ए। तो परिमाप कितना हो गया इसका? परिमाप बराबर है 4 गुणा भुजा, यानी कि 4a हो गया। इस प्रकार से ये बीजगणित में एक सूत्र बन गया आपका। अब a का मान पे परिमाप निर्भर करता है। अगर मान ली छोटा वर्ग है, भुजा 4 है, तो परिमाप आएगा 16। अगर ये भुजा 2 है तो वर्ग का परिमाप कितना आएगा? वर्ग का परिमाप हम सूत्र की सहायता से, यानी कि 4a है ना हमारा, तो 4 गुणा 2, तो कितना आ गया? 8 सेंटीमीटर ये परिमाप आपका आ गया। इस प्रकार से हम अंक गणित में इसको समझे और बीज गणित की सहायता से हमने सूत्र लिखे। ये वर्ग का परिमाप बहुत ही आसान सूत्र था। अब हम आयत का परिमाप निकाल लेंगे। आप सभी जानते हैं कि आयत का परिमाप क्या होता है। आयत एक ऐसी चतुर्भुज है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, यानी कि ए बी सी डी। ए बी बराबर है सी डी और बी सी बराबर है ए डी होती है हमारी। अगर इसको हम लंबाई कहें, ये चौड़ाई है हमारी, ये भी लंबाई है और ये भी चौड़ाई है। अगर इसको हम ए मान लें, इसको बीजगणित में हम बी ए और बी मान लेते हैं, इनको सामान्य कर दिया हमने। इनका मान कुछ भी हो सकता है, बार बार लिखने की बजाय इनको हम ए बी या एल बी, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, उसकी सहायता से हम सूत्र बनाएंगे। तो कैसे निकलेगा? लंबाई जमा चौड़ाई जमा लंबाई जमा चौड़ाई, यानी कि लंबाई और चौड़ाई को जोड़कर, ये देखो लंबाई और लंबाई, दो लंबाई होगी ना हमारी, चौड़ाई और चौड़ाई, दो चौड़ाई होगी हमारी, और दो हमारा कॉमन आ गया, तो लंबाई। ये यहां से सीधा भी कर सकते हैं आप, इन दोनों को जोड़ दो, जितना इन दोनों का आएगा उतना जोड़ इन दोनों का आएगा, यानी कि लंबाई और चौड़ाई को जोड़कर 2 से गुणा कर 2। तो सूत्र क्या बन गया हमारा? सूत्र बन गया 2 गुणा ए जमा बी, यानी कि ए जमा बी गुणा 2। इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से ये हमने विशेष एक सूत्र बना लिया। अब इस सूत्र का प्रयोग करेंगे हम, इसी प्रकार से हम क्षेत्रफल में करेंगे। आप ये जान चुके हैं क्षेत्रफल क्या होता है। क्षेत्रफल बराबर है लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, यानी कि लंबाई ए गुणा बी, तो क्षेत्रफल कितना आएगा? ए गुणा बी। यहां पर आपने एक बात समझना है, ए जमा बी में और ए गुणा बी में अंतर है, उस अंतर को आप समझ लें, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। चलिए अब बिना किसी देरी के प्रश्नावली 11.2 हम शुरू करते हैं। 11.2 में पहला सवाल क्या है आपका? पहले क्वेश्चन में दिया गया है क्वेश्चन नंबर एक, एक समबाहु त्रिभुज, 11.2 क्वेश्चन नंबर एक, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा को एल दर्शाया गया। एक समबाहु त्रिभुज, देखो एक समबाहु त्रिभुज क्या होती है, चित्र जरूर बनाया, गणित में चित्र का बहुत महत्वपूर्ण है। समबाहु त्रिभुज
तीनों भुजाएं बराबर है हमारी, यानी कि ए बी बराबर है बी सी बराबर है ए सी की भुजा को एल दर्शाया गया, ये भुजा एल दर्शाई गई है, ये तीनों एल है बराबर है एल मान रखे हैं, यानी कि ए बी भी एल है, बी सी भी एल है और ए सी भी एल है। तो इस समबाहु त्रिभुज के परिमाप को व्यक्त करने के लिए सूत्र लिखिए, तो लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का परिमाप कैसे निकलेगा हमारा, तीनों भुजाओं का जोड़ यानी कि ए बी जमा बी सी जमा ए सी, परिमाप यहां से जोड़ेंगे इसको, इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, तीनों को, यानी कि एल जमा एल यानी कि तीन एल हो गया हमारा, एक एल दो एल और तीन एल हो गया ना, ये तीनों बराबर है ना हमारे, यानी कि एक भुजा को अगर हम तीन से गुणा करते हैं तो परिमाप निकल आएगा। मान लीजिए भुजा पांच है इसकी, तो परिमाप कितना आएगा, पांच दस पंद्रह, तो पांच को तीन से गुणा करके निकाल लेंगे। अगर भुजा सात है तो सात इक्कीस आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये सूत्र हमारा क्या आ गया, ये हमारा सूत्र आ गया। सवाल नंबर दो देखेंगे, घन, ये घन दिखाया गया है, घन मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं थ्री डायमेंशन आकृतियों में, घन एक आकृति होती है जिसके छह फलक होते हैं। देखो इस प्रकार से घन हमारे पास एक ऐसी आकृति है जिसके कितने फलक होते हैं, छह फलक होते हैं। ये चित्र में दिखा रखा है, देखो मैं बढ़ा के दिखाता हूँ आपको, एक ये वर्ग, इसके पीछे एक वर्ग होता है और फिर उसको ऐसे मिला के ये हमारा एक गहरा चित्र हमें घन का प्राप्त होता है, ये घन का गहरा चित्र हमें प्राप्त होता है। तो इसमें कितने फलक है हमारे, फलक छह होते हैं और किनारे कितने होते हैं, किनारे देखो एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, तो बारह किनारे होते हैं ना घन में, घन एक डिब्बा होता है, तो घन के कुल किनारे कितने होते हैं, कुल किनारे बराबर है बारह होते हैं ना, और एक किनारे की लंबाई एल दी गई है, इस किनारे की लंबाई कितनी है एल, एक किनारे की लंबाई कितनी है एल, तो सभी किनारों की लंबाई कितनी आएगी, सभी किनारे बराबर होते हैं घन में, सभी किनारों की लंबाई, तो इसको 12 से गुणा कर देंगे क्योंकि एल एल एल, या तो हम एल को 12 बार जोड़ देंगे, जैसे एल जमा एल जमा एल जमा एल को 12 बार जोड़ देंगे ना, 12 बार कितनी बार 12 बार, या एल को हम 12 से गुणा कर देंगे तो कितनी आगे 12 एल कह सकते हैं, या इसको स्मॉल लेटर से लिख सकते हैं आप, स्मॉल लेटर से लिख सकते हैं इसको इस प्रकार से 12 एल, कितनी आ गई आपकी घन की किनारों की कुल लंबाई, एक सूत्र बढ़ गया हमारा 12 एल। इसी प्रकार से हम गणित में बीज गणित की सहायता से बहुत सारे सूत्रों का निर्माण हम कर सकते हैं। सम षटभुज, ये देखो सम षटभुज है, षटभुज क्या होती है, एक दो तीन चार पांच छह भुजाएं हैं और छहों की छह आपस में बराबर होती हैं, तो सम षटभुज की एक भुजा एल दे रखी है, भुजा कितनी रखी है बराबर है एल, तो परिमाप निकाल लेंगे सीधा ही, परिमाप बराबर है छह एल यानी कि छह गुणा भुजा, छह एल सेंटीमीटर मीटर या इकाई आ गया हमारा, सीधा ही इकाई में आ गई। क्वेश्चन नंबर तीन बहुत ही आसान है, ये सूत्र आपका नया बन गया। अब क्वेश्चन नंबर चार में देखते हैं, वृत्त का एक व्यास, व्यास एक रेखाखंड है, ये व्यास दे रखे, जो वृत्त पर दो बिंदुओं को जोड़ता है, ए और बी को जोड़ता है और केंद्र से होकर जाता है, संलग्न आकृति में ए बी वृत्त का व्यास है और सी उसका केंद्र है, वृत्त के व्यास डी को उसकी त्रिज्या आर के पदों में व्यक्त कीजिए, बिल्कुल आसान है। अब ध्यान से देखिए आप, यहां पर एक त्रिज्या ए सी, यहां पर बी सी एक दूसरी त्रिज्या, तो वृत्त का व्यास, व्यास क्या आएगा, व्यास बराबर है त्रिज्या जमा त्रिज्या, अगर व्यास को हम डी कहें, डी का मतलब डायमीटर इंग्लिश में, और आर मतलब रेडियस, रेडियस मतलब त्रिज्या होती है और डी से डायमीटर मतलब हमारा व्यास होता है, तो ये व्यास आर जमा आर यानी कि व्यास को डी लिखेंगे हम, डी बराबर है आर जमा आर कितना होता है दो आर, तो इस प्रकार से हमारा सूत्र ये बन गया कि व्यास जो है ना वो त्रिज्या का दो गुना होता है, अगर त्रिज्या इसकी चार है तो ये व्यास आठ आएगा, अगर ये त्रिज्या दो है तो ये व्यास चार आएगा, अगर ये त्रिज्या पांच है तो ये व्यास दस आएगा, और हम व्यास की सहायता से त्रिज्या भी निकाल लीजिए, निकाल सकते हैं। मान लीजिए डी बराबर दो आर सूत्र आ गया हमारा, अब डी मान लीजिए दस है, व्यास कितना है दस, तो त्रिज्या कितनी आएगी दस बराबर है दो आर, तो आर का मान कितना आएगा
पांच आठ यानी आप जमी तो इक्वल आ गई, 2 × 5 यानी कि आर बराबर है 5, यानी कि वृत्त की त्रिज्या कितनी आ गई आपके पास 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही आसान प्रश्न है, तीन संख्याओं 14, 27, 13 के योग पर विचार कीजिए। दो प्रकार से कर सकते हैं हम, 14 जमा 27 जमा 13, ये तीन संख्याएं आपने जोड़नी है। इनको दो तरीके से जोड़ सकते हैं, पहले इन दोनों को जोड़ ले हम, 41 आ गया हमारा, इसमें 13 जोड़ दें फिर 54 उत्तर आ गया हमारा, या फिर हम पहले 27 को 23, 13 में जोड़ सकते हैं, या फिर ऐसे कर सकते हैं 14 जमा 27 जमा 13, पहले इनको जोड़ ले हम तो कितना उत्तर 40 उत्तर आ गया, अब इसमें 14 जोड़ दे हम तो कितना उत्तर आ गया हमारा, फिर भी वो उत्तर आ गया सेम सेम उत्तर आ गया। तो इस प्रकार से ये हमारे पास एक सूत्र है गणित का जोड़ने का, कि जैसे कि 4 जमा 3 और 3 जमा 4 का जोड़ बराबर होता है, इसको आगे पीछे लिख दिया कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि जोड़ तो साथ ही आना है ना। तो यहां पर एक साहचर्य नियम है, क्या कहते हैं इसे, साहचर्य नियम। साहचर्य नियम होता है, इसमें क्या होता है कि अगर तीन संख्याएं जोड़नी है जैसे ए बी सी, पहले हम ए बी को जोड़ दें बाद में सी को जोड़ दें, या पहले हम बी और सी को जोड़ दें तो बाद में सी को जोड़ दें ए को जोड़ दें, इससे उत्तर में कोई फर्क है हमारा नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये हमारे इसका उत्तर ये आ गया, पहले बी सी भी जोड़ी यहां पर, ये 14 27 बी सी थी ना, ए बी जोड़ी 14 और 27 ए बी थी, पहले हमने ए बी जोड़ दी फिर सी जोड़ दिया, इसमें क्या किया दूसरे वाले में, इसमें ये बी और सी, पहले बी और सी को जोड़ दिया फिर इसमें ए को बाद में जोड़ा, तो इससे उत्तर में हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस प्रकार से कह सकते हैं हम गणित में ए जमा बी जमा सी के लिए, या पहले ए जमा बी को जोड़ लो बाद में सी जोड़ दो, या फिर पहले बी जमा सी को जोड़ लो बाद में ए को जोड़ दो, इससे उत्तर में आपका कोई फर्क नहीं पड़ता। इस प्रकार से आपने प्रश्नावली 11.2 अब पूरी कर ली। अगली वीडियो में हम प्रश्नावली 11.3 और चरों वाले व्यंजक के बारे में पढ़ेंगे। बीजगणित बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मेरे साथ आप पढ़ते रहिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।